गाइस वेलकम बैक टू माय टोकोटा टोइंग सर्विस। जैसा कि आपको पता है, हम हमारी टोइंग सर्विस में करते हैं, गाड़ी उठाते हैं, कैसे टो करते हैं, कैसे छोड़ते हैं। वैसे तो ज़्यादातर काम जो है कोटा, बूंदी, सुकेत, झालावाड़ यहीं का आता है। बाकी आज जो काम आया है वो आया है हमारे दिल्ली का। कोटा से गाड़ी उठेगी और वो जाएगी सीधा दिल्ली। तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहें और देखें। हमारा जो आज का व्लॉग है वो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हाँ, आपको आज मज़ा ज़रूर आएगा। तो आज हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस अभी हम जो है हमारे ऑफिस पे ही खड़े हैं, गाड़ी जो है वो लेके आ चुके हैं। यहाँ हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी है और आज जो है जीप कंपास उसे हम छोड़ने जाएंगे दिल्ली, जिसका एक्सीडेंट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले ही। एयरबैग वगैरह सब खुले हैं। ये हमारी गाड़ी पर जो है टो हो चुकी है और आज भी हमारे साथ जो है ड्राइवर जो रहेंगे वो रहेंगे शूटर हमारे सद्दाम भाई टोइंग, वही हमें लेकर जाएंगे दिल्ली। उनके साथ जा रहा हूँ मैं। और ये है गाड़ी जीप कंपास जो हमारे ट्रक के ऊपर टो हो चुकी है। अभी जो है सद्दाम भाई आ चुके हैं काम पे से और उन्हें अभी पता नहीं है कि उन्हें जाना है कोटा दिल्ली। तो अभी हम उनको बताएंगे, देखते हैं उनका एक्सपीरियंस रिएक्शन क्या होता है। क्या जा रहे हो सद्दाम भाई? जैकेट कमरे पे जा रहा हूँ, जैकेट लेने। जैकेट लेने तैयार हो मतलब तुम? क्या कहते हैं वो, जूते पहनने? ठीक है, जूते पहनने मतलब तैयार हो तुम पूरी तरह से? नंबर बस तैयार है अपन, मैं भी तैयार हूँ, चलते हैं अपन कोटा दिल्ली गुड़गांव। सद्दाम भाई जो है अभी आ चुके हैं। सद्दाम भाई तुम तैयार हो गए चलने के लिए? दिल्ली चलने के लिए रेडी है क्या? हाँ, गाड़ी में एंट्री कर रहा हूँ। अच्छा, और नॉन स्टॉप जाएगी दिल्ली, दिल्ली तक कहीं भी नहीं रुकेगी, नॉन स्टॉप। और गाड़ी कौन सी लेके चल रहे हैं? अपन चल रहे हैं जीप कंपास। जीप कंपास लेके चल रहे हैं गाइस। चलो सद्दाम भाई, ठीक है। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नयापुरा बस स्टैंड कोटा। हम निकलने वाले हैं जयपुर। दिल्ली वाले पेंचोद, दिल्ली से वाले पेंचोद, दिल्ली से है पेंचोद। भाई सद्दाम भाई फुल इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ जा रहे हैं। ये मूर्ति सही से नजर क्यों नहीं आ रही है? तो गाइस ये है नया पूरा बस स्टैंड। यहाँ पे जो है बसें लगती है सुकेत, कोटा, झालावाड़ सब जगह की। ट्रैफिक कितना लगा हुआ है आज? जो है ट्रैफिक बहुत है यहाँ, ट्रैफिक पुलिस भी है, बाकी उनसे जो है अभी कंट्रोल में नहीं हो रही है कुछ भी। टुलूस। तो गाइस अभी हमें हो चुके हैं 35 मिनट पूरे और हम जो है कोटा के मेन गेट से बाहर निकलने वाले हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं कोटा से बाहर। हम जो है अभी बूंदी रोड पकड़ेंगे ना सद्दाम भाई? पहले ये सीएनजी पेट्रोल पंप आ रहा है, सीएनजी। अच्छा अच्छा, टैंक फुल करवाएंगे। अभी कोटा से निकलते वक्त भी तो करवाया था? नहीं, अभी यहाँ पे एक बार और। अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग जो है सीएनजी। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो हमारा ट्रक है ये डीजल या पेट्रोल से नहीं चलता, ये चलता है सीएनजी से। यहाँ ये टैग भी लगा हुआ है सीएनजी का, जो टाटा प्रोवाइड करती है ये ट्रक को, तो ये चलता है सीएनजी से। तो हमने अभी कोटा से निकलने से पहले ही हमने ये टैंक फुल करवाया था। बाकी अभी वापस से ज़रूरत पड़ रही है, सद्दाम भी कह रहे हैं कि एक बार वो टैंक फुल करवाएंगे। तो सीएनजी का जो पेट्रोल पंप सीएनजी पंप है वो आने वाला है। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ हमारी पूरी अपडेट, तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। गाइस अभी जो है हम सीएनजी के पंप पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम हमारा टैंक जो है फुल करवाएंगे। एचपी का होता है अभी सीएनजी का, यहाँ गाड़ी भी खड़ी है सीएनजी की। गाइस अभी जो है प्रेशर बन चुका है, टैंक खाली अभी भी हो रहा है। हमारे सद्दाम भाई को बोला है पंप वालों ने कि प्रेशर बन जाएगा, आप चालू करवाएं। तो हम लगवा रहे हैं पंप। दिल्ली गुड़गांव। प्रेशर जो है 200 हो चुका है गाड़ी में, टैंक भर रहा है धीरे धीरे। तो गाइस यहाँ से भरता है सीएनजी में
फ्यूल सीएनजी गैस दो सिलेंडर लगे हुए हैं, पंप काम कर रहा है अपना बराबर। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, गैस हमारी जो है फुल हो चुकी है और अब हम सीधा टोंक रुकेंगे या जयपुर रोड पर रुकेंगे, चंदवाजी। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, खाना भी तो खाएंगे फिर रास्ते में। अरे खाना भी तो खाएंगे सद्दाम भाई, हम अब मैं तो भूल ही गया था कि हम उनको खाना भी खाना है। तो गाइस हमें अभी जो खाना भी खाना है तो हम रुकेंगे, नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और टाइम जो है अभी हो चुका है 7:46 कुछ। तो गाइस हम जो है निकल चुके हैं और हमें जो है पानी खाना पानी जो है चलते रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लेने वाले हैं थोड़े चिप्स वगैरह, पानी की बॉटल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पानी की बोतल भी लेना सद्दाम भाई। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 4 लाइन पे ही। गाइस अभी बज चुके हैं 8:30 और हम पहुंच चुके हैं बूंदी की टनल के वहां, जो 1.5 किलोमीटर लंबी होती है। बूंदी की टनल के अंदर हम एंटर होने वाले हैं, यहां भी एक टो मशीन खड़ी है 24/7। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बूंदी की टनल के अंदर। गाइस अभी हमें हो चुका है 1 घंटा पूरा, 8 बज चुके हैं और अभी हम लगे हुए हैं 4 लाइन पे। सद्दाम भाई फुल माहौल में 4 लाइन पे ही चल रहे हैं अभी भी। कौन सा वरुंदन चौराहा जो आने वाला है अभी आगे, अभी भी हम 4 लाइन पे चल रहे हैं। अभी चलेंगे 6 लाइन, 6 लाइन भी आएगी यहाँ पे दिल्ली से जयपुर के बाद। जयपुर के बाद जो है 6 लाइन पे चलेंगे हम। हमारी वीडियो में एंड तक बने रहे और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दें। गाइस अभी हमें हो चुका है 3 घंटे कोटा से निकले हुए और अभी हम जो है दूसरे टोल पे पहुंचे हैं। ये कौन सा टोंक वाला टोल है ना, है टोंक देवली वाला टोल है ये, पता नहीं क्या हो रहा है वो। बाकी हमारा जो है फास्टैग्स है, कट जाएगा पैसा और हम जो है अभी जल्दी से फ्री हो जाएंगे। जीप कंपास जो है अभी भी हमारे साथ ही बंद के आ रही है, मतलब सद्दाम भाई हुई हुई हालत टाइट हुई थोड़ी सी है। किसकी? तुम्हारी? मेरी नहीं हुई क्या? अभी तो कुछ भी टाइट नहीं हुआ मेरा, अभी तो खाना खाऊंगा मैं। अभी तो आ रहा हूँ, अभी तो खाना ही नहीं खाया गाइस हमने, अभी तो भूख लग रही है। टोंक में हम लोग जो है हम लोग टोंक में खाना खाएंगे। टोंक 6 किलोमीटर हो गया तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ टोंक खाना खाते हुए। 11 बजे से चल रहा हूँ। 11 बजे से सुबह 11 बजे से ड्राइविंग कर रहा हूँ। सुबह 11 बजे से ड्राइविंग कर रहा हूँ लगातार। लगातार कहाँ कहाँ गए थे फिर आप? कोटा से मैं निकला सुबह, हाँ गौघाट के लिए। गौघाट कवाई वहाँ से कौन सी गाड़ी उठाई थी? वहाँ से उठा के लाया हूँ मैं ब्रेजा विटारा ब्रेजा। ठीक है। अच्छा हाँ वो कोटा छोड़ी। हाँ कोटा छोड़ने के बाद इधर बैठ गया मैं इस गाड़ी पे। वो छोड़ के आने के बाद एंड टू एंड तेरे सामने नहीं बैठा? हाँ मेरे सामने ही तो आए थे आप। वहाँ तो आज हम लोग जो है निकल चुके हैं दिल्ली के लिए।
तो सद्दाम भाई की दाद देनी पड़ेगी मतलब इस बात पे, है मेहनत ही तो है यार बंदा है। वेरी गुड। तो गाइस अभी बजे हैं फिक्स 10 और हमने जो है टोंक पहुंचे हैं और अब हम लोग जाएंगे खाना खाने सद्दाम भाई के साथ। तो गाइस यार और हम लोग जो है खाना खाएंगे एमयू खान होटल पर। यहाँ पे कबाब, चिकन फ्राई, रोस्टेड चिकन, चंगेजी चिकन, कोरमा, मांडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा नॉन वेज है। तो हम खाना खाएंगे यहाँ। गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं होटल में, हाथ भी धो लिए हैं और सद्दाम भाई ने ऑर्डर दे दिया है। अब हम लोग खाएंगे खाना। होटल आप लोग देख लीजिए भाई, गार्डन भी है, होटल तो बड़ी प्यारी है। हाँ सद्दाम भाई कर दिया ऑर्डर, क्या मंगा? चिकन चंगेजी। सो गाइस अभी जो है खाना हो चुका है हमारा और हम लोग जो है, और मेन चीज़ तो एक है अभी जो हमारे स्टाफ के एक मेंबर और हैं रेहान भाई, वो यहीं थे अभी टोंक में, शादी में आए थे, वो भी हमसे मिलने आए हैं। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। तो आप कब से हो यहाँ पे? 3-4 दिन हो गया आपको है? तो वापस कोटा कब जाओगे? मंडे ट्यूसडे तक। सद्दाम भाई हम जा रहे हैं दिल्ली गाड़ी के काम से जा रहे हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग भी बन जाएगा और घूम भी आएंगे, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस हमने हमारा जो है अभी खाना हो चुका है और हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे हमारा सफ़र। रान भाई को अलविदा करके, ये गाड़ी से आए हैं रान भाई, अलविदा करके और हम निकलेंगे सीधा दिल्ली नॉन स्टॉप। अब शायद ही कहीं गाड़ी रुके, ये रही हमारी गाड़ी। सो गाइस अभी जो है फिर से वक्त हो चला है सीएनजी का टैंक फुल कराने के लिए। हम जो है जयपुर दिल्ली रोड पे हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे सीएनजी फिर से टैंक फुल, मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। सो गाइस अभी हो चुका है टैंक फुल 33 किलो पे और जो है बिल बनाने गए हैं और 6 रुपये भाई साहब, और 6 रुपये भी लेने इनसे। इसके बाद हम निकलेंगे नॉन स्टॉप के लिए दिल्ली, तो हमारी वीडियो में बने रहें, थैंक यू। बिल जो है हमारे पास आ चुका है, तो अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए एक बार और। सो गाइस अभी आ गया है ढाबा चाय पीने का, तो हम जा रहे हैं चाय पीने। सद्दाम भाई पहुंच चुके हैं पहले, हम जाएंगे चाय पीने। तो गाइस आप हमें कमेंट में भी बताते रहिए कि हमारे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। हम चाय पी के फिर आपको मिलते हैं वापस, आपको दिखाता हूँ ढाबा। चाय लगा दो चाचा, चाय। सर्दियाँ चल गई वापस, सर्दियाँ चल गई वापस। पिक्चर देख रहे हो तुम तो यार, लोहा। गाइस अभी टाइम हुआ है 2:08 और गाड़ी में जो है थोड़ी ख़राबी आई है, सद्दाम भाई वही चेक कर रहे हैं, इस कारण हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ जयपुर बाहर ही करने वाले थे कि गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, तो सद्दाम भाई वो चेक कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाए फिर हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 4:50
और मेरे को आ रही है बहुत जोरों से नींद तो, और अभी भी हम लोग चल रहे हैं 6 लाइन पे ही, गजराज के पीछे, गजराज गुलजार के पीछे, गुलजार बस के पीछे। और मेरे को आ रही है जोरों से नींद तो मैं जा रहा हूँ सोने। और गुड़गांव जो है अभी भी 70 से 80 किलोमीटर और दूर है। पावर में हमेशा की तरह, लेकिन तुम मस्तों पे बोल रहा हूँ यार, मेरे को आ रही है सत्ता भाई बहुत जोरों की नींद। मैं तो जाऊँगा आप सोने, अब आप मेरे को उठा देना, गुड़गांव आया है उससे थोड़ी देर पहले। सत्ता भाई प्लीज मेरे को सो जाने दो यार, ये गलत बात है यार। अरे नहीं, अब थोड़ी देर 10-15 मिनट सो जाऊंगा बस। तो गाइस अभी भी हम चल रहे हैं 6 लाइन पे जी। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं गुड़गांव में, और मैं जो है थोड़ी देर तो क्या 6 बज चुके हैं, और 4-4:30 बजे मैं सो रहा था, तो 1.5 घंटे की नींद मैंने निकाल ली है। सुल्तान भाई यार देनी पड़ेगी। सुल्तान भाई अभी तक भी डटे हुए हैं, लगातार ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब 10 मिनट के लिए भी अगर वो रुके होंगे तो सिर्फ गाड़ी ख़राब हुई थी वहीं रुके होंगे, ताकि मैंने तो नींद निकाल ली, मेरा हो चुका काम। मैं आपको रोड दिखाता हूँ, अभी भी हम चल रहे हैं 6 लाइन पे गुड़गांव में। तो गाइस ये देखिए, अब अभी गुड़गांव की सड़कों पर हम पहुँच चुके हैं। सुबह 6:07 पर हम चले थे कोटा से 7 बजे, अभी फ़िलहाल हमें हो चुका है पूरे 11 घंटे। 11 घंटे में हम पहुँचे दिल्ली गुड़गांव। सत्ताम भाई फुल पावर के साथ अभी भी ओके है सत्ताम भाई। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुड़गांव, जो कि दिल्ली के बहुत ही करीब है, जहाँ ये गाड़ी हमें हैंड ओवर करनी है। और फिलहाल हम खड़े हैं एक टोल के पहले ही 12 लाइन पर। तो मैं आपको सड़क दिखाता हूँ, प्लीज आप देख ही पा रहे हैं मेरे पीछे तक बहुत दूर तक सड़क जा रही है, तो मेरे जस्ट पीछे है टोल। सर्दी भी बहुत है गाइस यहाँ पे, तो हमारा बाइक घूम रहा है दिल्ली में गुड़गांव में। तो गाइस मेरा आपसे लास्ट बार यही कहना है कि आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, अभी तक कैसी लगी, उसके कमेंट में भी जाके बताएं। और मतलब सपोर्ट चाहिए यार, एक तरह से सपोर्ट कर दो यार, क्या जाता क्या है आप लोगों का, मतलब पैसे वैसे तो जा नहीं रहे, तो एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ, और क्या मांग रहा हूँ मैं, बस एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। कहाँ पहुँचे सद्दाम भाई अभी अपन? एक मिनट रुको, इसको मैं बंद करता हूँ। हम पहुँच चुके हैं हमारी लोकेशन पे। बोले तो हम पहुँच गए गुड़गांव। गुड़गांव ये जो सामने टोल दिख रहा है, दिल्ली बॉर्डर का है क्या ये? रजोकड़ी टोल। जोकड़ी टोल, इसके आगे मतलब दिल्ली स्टार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। बस नई दिल्ली, यहाँ से ज्यादा दिल्ली है 30-35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अच्छा, सो गाइस अभी भी हम लोग यहीं नई दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, साथ ही क्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो वो आएगी और ये जीप कंपास को उसके ऊपर रखेंगे और वो जाएगी दिल्ली के अंदर। हमारा जो है दिल्ली का फास्टैग नहीं लगा हुआ है इसलिए, या कुछ और कारण ही है मेरे को नहीं पता, बाकी इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। वहाँ से आएगी दूसरी गाड़ी, उसमें जाएगी जीप कंपास, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। और अभी जो है उजाला हो रहा है, अभी टाइम हुआ है 6:40 जो है टाइम हो चुका है अभी 6:40 AM, और उजाला हो रहा है अभी धीरे धीरे।
धुंध बहुत है यहाँ पे, सर्दी भी बहुत है। मैं तो जैकेट लाने भूल गया था मेरी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ उजाले में कैसा लगता है यहाँ पे गुड़गांव दिल्ली। ये देखिए आप लोग, पूरा 12 लेन लाइन है भाई। सो गाइस अभी हमें यहाँ खड़े खड़े पूरा 1 घंटा हो चुका है, 7 बज चुके हैं और अभी मुझे यहाँ पे दिखे हैं कुछ बाइकर्स विद बाइक्स। तो मैंने सोचा इनके पास होकर आता हूँ, मैं जाता हूँ इनके करीब, वो बाइक्स देखते हैं अपन कौन कौन सी है इनके पास। भैया सारे आलिया डेविडसन्स है। डबल एग्जॉस्ट हायाबुसा, शानदार शानदार गाड़ियां हैं अभी तो और आती जा रही हैं भाई। होंडा की, हार्ले डेविडसन, बहुत सारी अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं भाई। ये कौन सी गाड़ी है, टायर साइज देख रहे हो आप? 4 सिलेंडर के साथ, 3 सिलेंडर के साथ। काफिला, गाइस अभी उसे जो है और टाइम लगेगा आने में, और जो है इतने चाय पी के आने का सोच रहे हैं। पता, मैंने बोला कि तंदूर चल अपन चाय पी के आते, मैंने कहा चलो ठीक है, चाय चाय नाश्ता हो जाएगा चाय नाश्ता हो जाएगा। और मेरी आवाज़ ही चेंज हो गई भाई दिल्ली आने के बाद, तो खांसी और हो गई। तो देखते हैं अभी चाय पीने जा रहे हैं वो कितनी देर में आएगा टोल वाला। थैंक यू। तो गाइस चाय अभी जो है आ चुकी है, सताम भाई भी चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी रहा हूँ। बाकी एक चीज़ यहाँ देखने को जो मिली है मुझे, वो ये है कि केजरीवाल ने एक काम तो अच्छा किया है, इन गरीबों को भी सुख तो दिया है। दिल्ली दिल्ली के अंदर है ना क्या तंजिल, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने कम से कम ये व्यवस्था तो अच्छी कर रखी है जो कुत्तों के लिए कम से कम सीट तो दे रखी है बैठने के लिए। कुत्तों का जुगाड़ पूरा कर रखा है आम आदमी पार्टी, तो कुत्तों का ध्यान रख रखा है। सद्दाम भाई चाय कैसी लग रही है यार, आ रहा स्वाद? उसने मना कि दिया सुंदी ने, सुंदी ने। अभी हमारा जो गुड़गांव वाला साथी था जो यहाँ से हमारे जीप कंपास को लेके जाने वाला है, वो आ चुका है। अब हम गाड़ी को उतार के उस पर शिफ्ट कराएंगे। लड़े पीछा दिए हैं हमारी गाड़ी के, जीप जो है यहाँ से उतरेगी और इस ट्रक पे चढ़ेगी।